गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप्ति जयप्रकाश और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का खूब सारा वेलकम है। तो फिर से एक और रोड ट्रिप और मेरी फैमिली फिर से हम लोग एक साथ व्हाइट में, नैतिक ने व्हाइट नहीं पहना बट ठीक है, चलो उसको व्हाइट में कंसीडर कर लेते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद। हाँ, और हम लोग अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरे कजिन की वेडिंग है और हम लोग उस वेडिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। और ये हमारी जनरेशन की लास्ट शादी है, तो हम लोग वहाँ पे जाके खूब धमाल मचाने वाले है ना, धमाल मचाने वाले ना जय। हाँ, जय भी रेडी है बिल्कुल और हम भी तैयार हैं और देखते हैं आगे हम लोग कैसे कैसे इंजॉय करते हैं। अभी तो हम लोग, हमारी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो चलिए ऐसे ही रास्ते में आपको मैं अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें दिखाती रहूंगी। अहमदाबाद तक, यहाँ से भोपाल से अहमदाबाद की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है, तो हमें 11 से 12 घंटे लग जाएंगे पहुंचने के लिए। तो चलिए आप हमारे साथ चलिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रिप को। डोडी है और हाँ, हम इंदौर की तरफ से होते हुए जा रहे हैं और यही रास्ता है। और मैं आपको बताऊंगी कि और कौन कौन सी जगह आएगी। अभी तो हम डोडी पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ जय जो है घर के बने हुए पोहे का आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग मतलब यह भोपाल की तो फेवरेट चीज़ है पोहा और सेव। देखिए बिल्कुल जय ने बिल्कुल उसको टेम्पटिंग बना दी। ये मैं घर से बना के लाई थी, जय की डिमांड थी कि हम सुबह सुबह निकलेंगे तो हम पोहा खाते हैं जाएंगे। तो पोहा और जलेबी भोपाल या यू कह लीजिए कि एमपी का फेवरेट नाश्ता है, तो हम उसी का सुबह सुबह लुत्फ उठा रहे हैं। आप लोग भी आइए। अभी हम अहमदाबाद के रास्ते पे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बहुत थक गई थी तो मैं थोड़ा सा सो गई थी और अभी मेरे को ड्राइव करना है, तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। अच्छी सी जगह है, छोटी सी, तो हमने सोचा कि चलो होटल राजनंदन में रुके हैं हम लोग। अभी हम लोग खाना खाएँगे यहाँ पर। बड़ा प्यारा गेहूँ का खेत है। MP में गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है और तो इन बालियों की मतलब गेहूं की बालियों की पूजा की जाती है और मतलब उसे चढ़ाया जाता है होलिका दहन के टाइम पे। और उसके बाद पूरी जो प्रोसेस होती है, गेहूं सुखाते हैं, फिर उन्हें कहीं कई बाहर की जगहों पे भेजा जाता है। MP में बहुत ज़्यादा गेहूं होता है और मैं भी यही कहती हूँ कि रोटियाँ खाना चाहिए। पता है रोटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो रोटियाँ खाना चाहिए। खैर अभी तो हम जाएं रोटी छोटी खाएं, भूख लग रही है। और आप लोग मेरे साथ ट्रिप एंजॉय कीजिए अहमदाबाद की। कितने की स्पीड से चला रहे हो आप गाड़ी? अभी 100। तो आज आप कितना टच करोगे? 140, 160? नहीं, फैमिली साथ है तो सिर्फ 110। अच्छा, वेरी गुड। इसके साथ ही शाम हो गई और रोड बहुत अच्छी थी, तो मैंने भी बहुत तेज गाड़ी चलाई, 120 टच कर लिया। देखो कितने अच्छी रोड है। इसी के साथ गाड़ी चलाते चलाते मैं भयंकर थक गई हूँ। अब चाय पीने का टाइम, शाम भी हो गई है। आज मैंने बहुत ड्राइव किया, बहुत मजा आई। और ये हम लोग आए हैं
अन्नपूर्णा होटल। और फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मेरे कजिन की शादी है। ये है वो जगह, इस जगह का नाम है राधे उपवन, अहमदाबाद में है। बड़ी ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं आपको हर जगह दिखाना चाहती हूँ। अभी मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैं दिन भर से जर्नी करके आई हूँ। हमने ये जर्नी लगभग 10 घंटे में नहीं कंप्लीट करी, 12 घंटे में कंप्लीट करी। हम सुबह 9 बजे निकले थे और अभी ठीक 9 बज रहा है, तो हम लोग बराबर टाइम से पहुंच गए हैं। 12 घंटे में हम आ गए हैं, मस्ती करते हुए आए हैं और मैं ये जगह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं ब्रेजू खड़ी है, थक गया नहीं थके वाव रात में प्लेस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, सच ब्यूटीफुल प्लेस। गार्डन एरिया, वाव। वाव, सो ये हमारा रूम है, यहाँ पार्टी हो रही है, यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। ये है रेस्टोरेंट जहाँ हमें डिनर के लिए आना है और ये हम लोग डिनर के लिए आए हैं यहाँ पे। ये है वो रेस्टोरेंट, वाओ ब्यूटीफुल एम्बियंस यार। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी थी और हम लोग खाना खाने बैठे हैं। मैं आपको कुछ एक बड़ी टेम्पटिंग सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये है, कितना कूल लग रहा है। मेरा बेटा पिज़्ज़ा खाने में बिजी है बट ये पिज़्ज़ा भी बहुत यमी था, सीरियसली। चीकू भी बिजी है पिज़्ज़ा खाने में, पिज़्ज़ा बहुत ही यमी था। अब हम लोग ये जो प्लेटर, ये जो आया है मुंबई चौपाटी प्लेटर, ये हम ट्राई करके देखते कैसा है खाना। वाकई में बहुत टेस्टी है, जितना दिखने में टेम्पटिंग है उतने खाने में भी टेस्टी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ी देर में मेरे सारे कजिन्स, मेरे सारे रिलेटिव्स आने वाले हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। अहमदाबाद बहुत अच्छी जगह है, सीरियसली। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, मेरे बड़े जीजा जी यहीं से ही हैं, तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। और यहाँ का जो खाना है ढोकला, माई गॉड, सच में बहुत यमी है। और खांडवी, मतलब खांडवी तो इतनी अच्छी मिलती है ना यहाँ पे। और पता है खांडवी का यहाँ पे टाइमिंग है कि वो सिर्फ 11 बजे तक मिलती है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ के वेदर की वजह से वो थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है, तो 11 बजे तक सब फिनिश हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी टेस्टी होगी। और अभी आप लोग मेरे साथ इस रिसोर्ट में हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम पे। हाँ, वैसे अभी 9:30 के ऊपर हो गया है, बट स्टिल हो जाता है थोड़ा सा लेट कहीं बाहर आते हैं तो। लुक एट दिस,
ये तो बहुत ही ऑसम है। नहीं तो हम हैं इस, ये क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और ये रिसॉर्ट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं आपको इस रिसॉर्ट को घुमाने ले जा रही हूँ, नहीं तो चले। हाँ चलो। तो ये है वो रिसॉर्ट, और ये जो ई कार है इसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ शायद इसे ई कार ही बोलते हैं भैया, इसे ई कार बोलते हैं जो भी बोलते हैं, अपनी डुग डुग है। देखिए आप मेरे साथ इस रिसॉर्ट में राधे उपवन में घूम रहे हैं। ये देखिए ये शाम को हमारी यहाँ पर जो संगीत और एंगेजमेंट का प्रोग्राम है उसकी तैयारी चल रही है। ये रहे, ये कल हम आए थे रात को यहाँ पे, और ये जगह आपने रात को देखी थी। और मैंने बोला था भैया को कि जस्ट एक राइट चाहिए। और कितनी प्यारी जगह है यार, मेरे साथ है राधे उपवन में अहमदाबाद में। तो हम लोग जो है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी प्यारी जगह है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। फाइनली हम लोग आ गए हैं जलाराम कमन हाउस पर। गुजराती में लिखा, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी थोड़ी गुजराती मुझे आती है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं पढ़ लेती हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वड़ा पाव भी मिलता है जो जय को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं जा रही हूँ खमन और खानवी खाने के लिए, देखते मेरी किस्मत है कि नहीं, खानवी मिलती है कि नहीं। तो ये है वो जगह जो कि मणिनगर में है, मैंने बहुत तारीफ सुनी है, तो चलिए चलते हैं। चले गए, बहुत भीड़ है और लाइन लगी हुई है, हम लोग लाइन में खड़े हैं। आई होप कि मेरी जाने तक खानवी ख़त्म ना हो जाए। वहाँ पे रखी हुई है खानवी, आप देख सकते हैं। बाहर जाओ कहीं भी तो वहाँ की जो चीज़ें वो खाने में मज़ा आता है। जय बड़ा को खाना है। हाँ बिल्कुल, देख सकते आप मेरे पीछे। फाइनली काउंटर पे अच्छा लगता है जब अपनी फेवरेट चीज मिल जाती है। आज यहाँ पे जय को वड़ा पाव मिल गया। माय गॉड कैसा है, माय गॉड। तो मैंने आपको जैसा बताया, मैं हूँ अहमदाबाद मणिनगर के जलाराम खमन हाउस में। इसमें है खांडवी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और यहाँ की तो खांडवी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने पता नहीं इतना क्यों पैक करके रखा है, मतलब मुझसे सब्र नहीं हो रही है और ये खुल नहीं रहा है। देखना जरा कितना अच्छे से पैक करके दिया है। वाओ, मतलब कि ये तो कमाल ही है यार। सिंपली सुपर, एक नंबर। अब आपने ये क्या नया चीज निकाला, मतलब खांडवी तो मैं पूरी तरह से खत्म कर चुकी हूँ, खा ली मैंने 5 मिनट में खत्म कर दी। और ये है बारी ढोकले की, मतलब यहाँ के ढोकले ना इतने अच्छे रहते हैं, इतने टेस्टी ढोकले। अब आप लोग सब मेरे साथ, मतलब मैं आपको, मतलब अपने मेरे चेहरे पता चलेगा कितना टेस्टी ढोकला है। सीरियसली एकदम जूसी जूसी, माय गॉड ये वही स्वाद है।
मैं जब भी अहमदाबाद आती हूँ, आती थी ना इसके पहले, तो मेरे जो बड़े जीजा जी है वो हमेशा यहीं से ही ढोकला खमन ये सारी चीज़ें पहले से लेकर आते थे। बस वही टेस्ट है सेम। घूमने के लिए समय बहुत कम था और हमने इंजॉय किया। उसके बाद मेरे कजिन की सगाई को तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो सगाई है इसमें हमने खूब धमाल किया और इसके बाद हमने इंजॉय किया संगीत। मैंने इस संगीत में ना सिर्फ डांस किया बल्कि मैंने संगीत को होस्ट भी किया था। हाँ, मुझे निशु ने कहा था कि तुझे ये संगीत थोड़ा सा होस्ट भी करना है, तो मैंने होस्ट किया और खूब सारा डांस किया और खूब इंजॉय किया हम सब लोगों ने। एक रात पहले खूब सारा डांस करने के बाद अगले दिन सुबह थी हल्दी और हमने सुबह उठ के खूब सारी हल्दी लगाई निशु को। हम महाराष्ट्रियंस में हल्दी बहुत खेली जाती है, तो मैंने निशु को खूब सारी हल्दी लगाई। उसे एक ही दिन में गोरा कर देने का प्लान था हम लोगों का, तो ये देखिए मैंने खूब अच्छे से हल्दी लगाई और ये फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा। माय गॉड, डांसिंग तो मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है खुद भी डांस करना और दूसरों को भी डांस करवाना। तो मैंने तो बहुत डांस किया और मैंने सबको भी खूब सारा डांस करवाया, आप लोग देख सकते हैं। निशु भी हमारे साथ खूब इंजॉय कर रहा था, जो मेरा कज़िन है निशांत वो भी खूब इंजॉय कर रहा था। हम लोगों ने खूब सारा डांस किया। कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, मैं सच में अहमदाबाद घूम भी नहीं पाई। अहमदाबाद शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, गुजराती खाना तो टेस्टी मिलता ही है यहाँ पे, लेकिन जो शॉपिंग भी है यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे स्पेशली चनिया चोली बहुत अच्छे मिलते हैं, जो मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैं 3 दिन शादी में ही बिजी थी। आप मुझे देख सकते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ बुरी तरह से। अभी हम लोग को भोपाल जाकर रिसेप्शन भी अटेंड करना है, तो अभी हम मिलते हैं आप लोगों से भोपाल में। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं भोपाल में। बाय बाय।